सवा लाख नबियों में से तीन रसूल या तीन नबी या तीन पैगंबर ऐसे हैं जिनके साथ हमारी एक खास निस्बत या ताल्लुक कह लो या रिश्तेदारी कह लो। हम सारे नबियों को मानते हैं लेकिन तीन नबियों के साथ हमारा रिश्ता है या तीन नबियों के साथ हमारा खास ताल्लुक है या तीन नबियों के साथ हमारी एक खास निस्बत मौजूद है। वो तीन रसूल कौन से हैं? सबसे पहले हजरत आदम, दूसरे हजरत इब्राहिम और तीसरे हैं आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तीन नबी ऐसे हैं कि जिनके साथ हर कलमा को मुसलमान का एक रिश्ता खास ताल्लुक है। अब रहेगी ये बात कि तीन नबियों के साथ हमारी रिश्तेदारी है क्या? मेरे भाइयों याद रखना, हजरत आदम अलैहि सलाम से हमारा रिश्ता बाप और बेटे का है। हम सब के वालिद कह ले, अब्बा कह ले, इस इंसानियत की इब्तदा कह ले, अबुल इंस कह ले, सारी कायनात के इंसानों के वालिद वो हकीकत में हजरत आदम अलैहि सलाम है। चूंकि हजरत आदम अलैहि सलाम इस कायनात में पैदा होने वाले सबसे पहले बशर हैं और कयामत तक आने वाले सारे इंसान हजरत आदम की औलाद हैं, इसलिए मेरा और आपका हजरत आदम से ताल्लुक बाप और बेटे का है। दूसरा हमारा ताल्लुक क्या है? यह रिश्ता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हमारा क्या रिश्ता है? कि जिस मिल्लत के ऊपर हम अमल करते हैं ये मिल्लत हजरत इब्राहिम की मिल्लत है। और तीसरा हमारा ताल्लुक और रिश्ता है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर से हमारा क्या रिश्ता है? हमने जिसका कलमा पढ़ा वो मोहम्मद मुस्तफा, जिस पर ईमान लाए वो मोहम्मद मुस्तफा, हम जिनकी उम्मत है वो मोहम्मद मुस्तफा, हमारे मुक्तदा, हमारे पेशवा, हमारी तमाम के तमाम उम्मीदों का, ईमान का, इस्लाम का, कुरान का, इबादात का, अखलाकियात का, मामलात का, अम्मा की गोद से लेकर कमर की लहर, कमर की लाश से लेकर माशर के मैदान तक, माशर के मैदान से लेकर अल्लाह के सामने पेश होने तक हमारी तमाम तमाम चीजों की, उम्मीदों का महबर, मरकज, मंबा, माबा, मंशा वो आमना के लाल जनाबे मोहम्मद मुस्तफा। अब तीन नबियों से हमारा रिश्ता हो गया, हजरत आदम से, इब्राहिम से और आमीना के नाम से। रिश्ता क्या? हम सारे आदम की औलाद है, इब्राहिम की मिल्लत है और जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मुबारक शान वाली सारी उम्मतों में से सबसे बेहतरीन उम्मत है। ये तीन नबी और तीन नबियों से हमारे ये तीन रिश्ते हैं। अच्छा, जिस आदमी के किसी से ताल्लुक हो तो उसको उससे कोई ना कोई चीज हासिल होती है। अब तीसरी बात ये हो गई कि हमें हजरत आदम से क्या मिला, हमें हजरत इब्राहिम से क्या मिला और हमें आमना के लाल जनाब मोहम्मद अरबी अलैहि सलातो व सलाम के दरवाजे से क्या मिला। मेरे भाइयों, हजरत आदम अलैहि सलाम के दरवाजे से हमें मिला है सबर का।
हजरत इब्राहिम के दरवाजे से हमें मिला है कुर्बानी का।